हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बाई ज्योति का। और फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हरियाणा जीके के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके किसी भी अपकमिंग हरियाणा एसएससी के एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके हरियाणा करंट अफेयर्स के फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई ने खुद को पेपरलेस करने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की है? सीबीएसई आपका दिल्ली का जो शिक्षा बोर्ड है उसको आपका सीबीएसई का नाम दिया गया, लेकिन ये हरियाणा के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाल ही में सीबीएसई ने खुद को पेपरलेस करने के लिए कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया आपका सीबीएसई ने? ई हरकारा पोर्टल। किस पोर्टल का? ई हरकारा पोर्टल। ई हरकारा पोर्टल का शुभारंभ आपका किसके द्वारा किया गया है? सीबीएसई के द्वारा किया गया है, ताकि सीबीएसई अब पेपरलेस हो सके। और पेपरलेस होने की संभावना सीबीएसई आपका क्या है कि हाल ही में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या हो गया आपकी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने खुद को पेपरलेस करने के लिए कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया आपका है? ये क्या आपका ई हरकारा पोर्टल। और कब से पेपरलेस है जो कार्य शुरू किया जाएगा आपका, 1 सितंबर से आपका पेपरलेस कार्य है जो सीबीएसई के द्वारा शुरू किया जाएगा। और ई हरकारा पोर्टल के द्वारा जो भी आपके योजनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड सभी प्रकार के जो कार्य किए जाएंगे वो आपके पेपरलेस किए जाएंगे, और उसके अनुसार आपको ई हरकारा पोर्टल को अपने फोन ई हरकारा पोर्टल है जो उसको फोन में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आगे देखिए, हरियाणा के झज्जर जिले में ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन आपका हरियाणा के झज्जर जिले में कब किया जाएगा? कौन सा मेला? ऑनलाइन रोजगार मेला कब किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका 3 सितंबर। 3 सितंबर को आपका हरियाणा का झज्जर जिला है उसमें ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और इसमें ऑनलाइन रोजगार मेले के लिए आपको रजिस्टर करने के लिए आपको जो हरियाणा की साइट है आपका www.harex.government.in पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और 3 सितंबर को आपका ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा झज्जर। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया आपका? ये मनाया गया आपका 29 अगस्त। कब मनाया गया? 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं आपके, मेजर ध्यानचंद क्या है? मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, भारतीय हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी थे, जिनके जन्मदिन पर हर साल 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को ही आपके जो खेल के पुरस्कार होते हैं वे दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड, जो से भी प्रकार के आपके खेल पुरस्कार होते हैं वे आपके 29 अगस्त को दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं आपके ध्यानचंद, ध्यानचंद जी का नाम था इनका ध्यान संघ, इनका नाम था आपका ध्यान सिंह, लेकिन ये चंद्रमा की रोशनी में अपनी हॉकी की प्रैक्टिस करते थे तो इनके फ्रेंड्स ने इनका नाम रख दिया चंद, यानी इनके नाम के साथ जोड़ दिया आपका चंद, इसलिए इनका नाम ध्यानचंद तब से प्रसिद्ध होने लगा था। आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में कौन से हरियाणवी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? हरियाणवी खिलाड़ी आपकी कौन सी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है? तो ये पाई गई है आपके विनेश फोगाट। कौन सी खिलाड़ी? विनेश फोगाट। और जो विनेश फोगाट है विनेश फोगाट आपके कुश्ती खेल से संबंधित रखती हैं, और इन्हें 29 अगस्त को इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था हमारे देश के वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, लेकिन ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई, और जो इनके कोच हैं वे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए उस वर्चुअल खेल रत्न सम्मान जो समारोह हुआ था उसमें शामिल नहीं हो पाई। कौन सा पुरस्कार मिलने जा रहा था इनको? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
बात करते हैं आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई आपकी 1991 में। कब हुई? 1991 में। पहले इसमें राशि दी जाती थी आपकी 7.5 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो खिलाड़ी थे हैं, जो खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल सम्मान दिया जाता था, उन खिलाड़ियों को आपको राशि का कितनी दी जाती है? 7.5 लाख। लेकिन अब वो राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 लाख। 25 लाख आपकी राशि कर दी गई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। उसी प्रकार आपके अर्जुन, जो अर्जुन पुरस्कार होता है उसके लिए भी राशि बढ़ा दी। पहले उसमें राशि मिलती थी आपकी 5 लाख, लेकिन जो वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी हैं, जो उनको सम्मानित करने के लिए जो राशि दी जाएगी वो 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बात करते हैं आपके फोर्थ के फिफ्थ क्वेश्चन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य है बना? डिजिटल कॉन्क्लेव यानी डिजिटल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है उसके द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए हरियाणा कौन सा राज्य बना? तो हरियाणा बना आपका तीसरा राज्य। तीसरा राज्य बना आपका हरियाणा डिजिटल कॉन्क्लेव या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा शिक्षा प्रोवाइड करने वाला। तो बात करते हैं, तो पहले राज्य कौन कौन से? आपका एक राज्य रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश, एक राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, और दूसरा आपका गुजरात। इन दोनों राज्यों के बाद हरियाणा का तीसरा नंबर है आपका। डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजित करने वाले राज्यों में आपका हरियाणा का कौन सा नंबर है? आपका हरियाणा का तीसरा नंबर है। बात करते हैं आपके सिक्स क्वेश्चन का। आपका सिक्स क्वेश्चन रहेगा, बात करते हैं आपके सिक्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के। आपका सिक्स करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रदेश सरकार ने, जो प्रदेश सरकार जो हरियाणा सरकार है उसने पानीपत में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए कितने एकड़ जमीन चिन्हित की है? क्या है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी जहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित की जा सकती है, उसमें एक ऐसा जो जोन होता है, क्या एससी जोन, उसमें जोन होता है वहां पर आपका एक स्पेशल, आपका स्पेशलिटी, आपकी इंडस्ट्री विकसित की जा सकती है। तो उसके लिए पानीपत हरियाणा प्रदेश ने पानीपत में कितने एकड़ जमीन को चिन्हित किया? तो कितने एकड़ जमीन को चिन्हित किया आपका? 1600 एकड़ जमीन को आपका चिन्हित किया गया। कितने एकड़? पानीपत के 1600 एकड़ जमीन में आपका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ने आपकी क्या की है? जमीन को चिन्हित किया है। बात करते हैं आपके जो ये जो चिन्हित किया है उस जो प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का, इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम से जाना जाएगा आपका पार्क पॉकेट सी। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम रहेगा? आपका प्रोजेक्ट का क्या नाम रहेगा? पॉकेट सी नाम से इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा। और 1600 एकड़ जमीन प्रदेश सरकार ने पानीपत में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए आपकी चिन्हित की। आगे बात करते हैं आपके सेवंथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखिए आपका सेवंथ क्वेश्चन है आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। आपका सेवंथ क्वेश्चन है कि हाल ही में बाल बैडमिंटन संघ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा संघ आपका? बाल बैडमिंटन संघ। और इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसने मनाया आपका 12th यानी 12वां स्थापना दिवस मनाया है। और 12वां स्थापना दिवस मनाया है आपके किसके द्वारा? बाल बैडमिंटन संघ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आपका 12वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे देखिए 8th क्वेश्चन, हरियाणा के कितने शहरों में सहकारी मिलों यानी कॉरपोरेटिव मिल्स होती हैं, जो सहकारी मिल्स होती हैं उनमें गुड़ व शक्कर का उत्पादन किया गया? तो कितने शहरों में? 3। और जो ये 3 सहकारी मिल्स हैं वे किसके शहर में आपकी? ये है आपकी पलवल, एक आपकी पलवल, सेकंड आपकी महम और तीसरी आपकी कैथल। इन 3 जिलों में आपके सहकारी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन किया जाएगा। और जो इन मिलों में आपके गुड़ व शक्कर का उत्पादन किया जाएगा, जो मार्केट शुगर होती है उससे 3 से 4 रुपये आपको कम दाम में ये जो सहकारी मिलों द्वारा तैयार गुड़ व शक्कर आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं 9th क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन है, भाजपा ने बड़ौदा उप विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया आपका? भाजपा ने प्रदेश चुनाव प्रभारी किसे बनाया गया है? तो ये बनाया आपका जेपी दलाल।
जेपी दलाल। और जेपी दलाल आपके वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। क्या है वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री आपके? जेपी दलाल। जेपी दलाल आपके कृषि मंत्री हैं। और भाजपा ने बड़ौदा उप विधानसभा चुनाव के लिए ने प्रदेश चुनाव प्रभारी का प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया है। बात करते हैं 9th 10th क्वेश्चन का। 10th क्वेश्चन आपका, प्रदेश के किस जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? बायोडायवर्सिटी पार्क, तो बायोडायवर्सिटी पार्क आपका प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका गुड़गांव। कहाँ बनाया जाएगा आपका? गुरुग्राम। गुरुग्राम में आपका बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। और 100 एकड़ भूमि पर यह बनाया जाएगा। कितनी एकड़ भूमि पर? 100 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। और जो गुड़गांव का कासन गांव है, कौन सा गांव? कासन। उस गांव में आपके बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण 100 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। और जो अगर पहाड़ियां पूछ ली जाए कि गुड़गांव का जो बायोडायवर्सिटी पार्क है वो किन पहाड़ियों में बनाया जाएगा, तो ये किन पहाड़ियों में बनाया जाएगा आपका? अरावली पर्वत, यानी अरावली की पहाड़ियों में आपके बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा, गुड़गांव जिले में, कासन गांव में, और 100 एकड़ भूमि पर। आगे देखिए आपका 11th क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई आपकी? ये की गई आपकी कैथल। किस जिले में की गई है? कैथल। और कैथल को आपको क्या कहा जाता है? कपिल स्थल या कपिल मुनि की नगरी। क्या कहा जाता है आपका?